वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. देयर इज़ ए बुक टॉकिंग नंबर्स ऑफ क्लास 3 बाय द एयर फाउंडेशन पब्लिशर्स. टेक आउट पेज नंबर 60. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन पेज नंबर 59. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पेज नंबर 60. इन दिस पेज इज देयर इज अ सिंपल डिविजन. इस पेज में सिंपल डिविजन है, आपको सिंपली डिवाइड करना है. पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, फिर उसके बाद आप लोग ये करेंगे. पहले हम ये काउंट करेंगे जितने भी ब्लॉक्स हमें गिवन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर? 8. 8 और डिवाइडेड हमें किसमें, मतलब ये कितने ग्रुप्स हैं? ये 1, 2, मतलब दो ग्रुप्स हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे. तो पहले हमने क्या लिखा? नंबर ऑफ शेप्स. नंबर ऑफ शेप्स कितने हैं हमारे? 8. और नंबर ऑफ शेप्स इन ईच ग्रुप, मतलब कितने ग्रुप्स हैं ये? 2. तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे. पता है 2 के टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम्स. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 3 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8. तो हम यहाँ 4 राइट कर देंगे. इसके बाद अब ये देखिए नंबर ऑफ शेप्स. नंबर ऑफ शेप्स हमें काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. हाउ मैनी नंबर ऑफ शेप्स आर देयर? 18. हेयर वी राइट 18. एंड हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर? इसमें गिवन है पहले से. 1 नंबर ऑफ शेप इन ईच ग्रुप, 2, मतलब कितने ग्रुप्स हैं ये गिवन है? 1, 2, मतलब एक ग्रुप, मतलब 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है ना ये, हमने उसको 2 से डिवाइड करेंगे. अब हमने यहाँ पे लिखा 18 डिवाइडेड बाय 2. अब देखें 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, काउंट करें. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18. कितने टाइम आया? 9 टाइम्स आया. हमने यहाँ 9 लिखा, हमने यहाँ पर भी 9 राइट किया. इसके बाद देखें हमें नंबर ऑफ शेप्स काउंट करनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाउ मेनी शेप्स आर देयर? 10. एंड हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? कितने ग्रुप्स बने हुए हैं ये? 2 ग्रुप्स बने हुए हैं. 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड. 10 राइट किया, देन 2 राइट किया. 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स आता है. 2 5 ज़ा 10. 5 हमने राइट करा इधर भी और इधर भी. इसके बाद सेम ये ऐसे ही होंगे, तो इसलिए मैंने आपका ये पेज जो है मैंने होमवर्क रखा है. ये आप ये होमवर्क करेंगे अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से आप हेल्प ले सकते हैं ये होमवर्क करने में. उसके बाद हम आते हैं अपने पेज नंबर 63 पे. पेज नंबर 63 पे हम आते हैं. मेक यूज़ ऑफ टेबल टू कम्प्लीट द फॉलोइंग. हमें टेबल आपको ये सॉल्व करने के लिए टेबल आने चाहिए, वरना ये आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. अब देखें 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, काउंट करें. 2 5 ज़ा 10. 5 टाइम आता है, हमने 5 लिखा. 12 कितने टाइम आता है? 6 टाइम आता है. 2 6 ज़ा 12. 14 कितने टाइम आता है? 7 टाइम आता है. 16 8 टाइम्स आता है. और 18 9 टाइम्स आता है. अब देखें ये 3, यहाँ पे 3 का टेबल है. अब बताएं 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स आता है. 21 7 टाइम्स आता है. 24 8 टाइम्स आता है. 27 9 टाइम्स आता है. 30 10 टाइम्स आता है. इसमें आपको 4 का टेबल याद होना चाहिए. 4 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आता है? 4 टाइम आता है. 4 4 ज़ा 16. 4 20 20 कितने टाइम आता है? 5 टाइम आता है. 24 6 टाइम आता है. 28 7 टाइम आता है. 32 8 टाइम आता है. इसमें आपको 7 का टेबल आना चाहिए. 7 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है? 6 टाइम आता है. 49 7 टाइम आता है. 56 8 टाइम आता है. 63 9 टाइम आता है. 70 10 टाइम आता है. 11 में भी यही है. 11 55 कितने टाइम आता है? 5 टाइम. 6 7 8 9. ये इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन. उसके बाद आप देखें हम क्वेश्चन नंबर 64, 65 हम स्किप करेंगे, और इसके बाद 66 आपका ये है होमवर्क है. इसमें सेम वही होगा जो हमने पहले किया था. 1 के टेबल में 1 के टाइम आता है, 1 टाइम आता है. 1 के टेबल में 20 के टाइम आता है, 20 टाइम आता है. 1 के टेबल में 30 50 के टाइम आता है, 50 टाइम आता है. 100 100 टाइम आता है. 1000 1000 टाइम आता है. ये इंतहाई ईजी है. इसके बाद सिर्फ आज यहीं तक है. मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.